सिम्बा के एंड क्रेडिट सीन में अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा तो अक्षय कुमार यानी कि खिलाड़ी कुमार के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है वीर सूर्यवंशी के नाम से और उनका रिपोर्टिंग टाइम 2019 का बताया जाता है। भाई ऐसे में रोहित शेट्टी साहब पुलिस कॉप को लेकर एक पूरी फ्रेंचाइज बनाना चाहते हैं, ये तो हम भाई अच्छी तरीके से जान गए हैं, जैसे कि सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, सिम्बा, और सिम्बा का भी अगला पार्ट आएगा क्योंकि सोनू सूद का कैरेक्टर बच चुका है। और वहीं लास्ट एंड क्रेडिट सीन में एंड क्रेडिट रोल में आते हैं वीर सूर्यवंशी। अब ऐसे में मीडिया गलियारों में पूरी खबरें हैं दोस्तों कि वीर सूर्यवंशी जो फिल्म है यानी कि सूर्यवंशी जो फिल्म है वो फिल्म केपी रघुवंशी जी की बायोपिक होने वाली है। चलिए आपको सबसे पहले बताता हूं कि केपी रघुवंशी जी कौन है। महाराष्ट्र के एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ हैं, चीफ रह चुके हैं दोस्तों केपी रघुवंशी साहब। और केपी रघुवंशी साहब ने C60 यानी कि क्रैक 60 नाम का एक ऑपरेशन चलाया था महाराष्ट्र के लुकलाइट्स के साथ मिलकर, और उन्होंने टेररिस्ट को, जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है जिस तरीके से महाराष्ट्र में हो रही थी उस वक्त, उनको इरेडिकेट किया था। अब ऐसे में दोस्तों उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर, उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड होकर मिस राइटर स्वर्गीय जलीश शिरवानी जी ने एक स्क्रिप्ट लिखी थी और कहा यह जा रहा था कि अक्षय कुमार जी के पास ये स्क्रिप्ट होगी जिसमें कि केपी रघुवंशी जी की जिंदगी की कहानी, किस तरीके से बहादुरता के साथ वो आगे बढ़े थे, C60 का उन्होंने निर्माण किया था, ये सारी बातें उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में होंगी। लेकिन जब इस बारे में रोहित शेट्टी जी से पूछा गया तो उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने इस बात को डिनाई कर दिया है। जी हाँ, केपी रघुवंशी जी की लाइफ पर नहीं बेस्ड है ये कहानी, जो कि सूर्यवंशी की कहानी है, ये अलग होगी और हटके होगी। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा जब फिल्म रिलीज होती है तब क्या माजरा होगा, क्या ये फिल्म कॉन्ट्रोवर्सीज में जाएगी या फिर ये फिल्म तालियां और तारीफें बटोरेंगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीर सूर्यवंशी जी के बारे में आपको क्या है कहना, मतलब अक्षय कुमार जी का जो अगला कैरेक्टर है उसके बारे में आपको क्या है कहना, सारी बातें बोल दीजिए और बने रहिए मेरे साथ, आपको अपडेट करता रहूंगा।